इसमें 12 बजे फिक्स यानी कि दोनों सुई एक जगह पर है। तो अब इस टाइम अगर कोई टाइम पूछता है कि सा कम अलहीन, ठीक है, तो अगर ये टाइम जो है वो सुबह का टाइम है, ठीक है, यानी कि रात के 12 नहीं बजे, सुबह के 12 बजे, तो आप किस तरह से बताएंगे? सा इतनाशर सुबह, सा इतनाशर सुबह, सुबह के 12 बजे, ठीक है। और अगर रात के 12 बजे तो सा इतनाशर फिल लैल, सा इतनाशर फिल लैल, यानी रात के 12 बजे। एक पॉइंट मैं आपको यहां पर छोटा सा बताना चाहूंगा कि उस टाइम को भी जो है वो आप अपने जहन के अंदर उतार लें। सुबह 4 बजे से लेकर के और सुबह के मतलब 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है, यानी तड़के 4 बजे से लेकर के और 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है, उसको अरबिक में सुबह के अंदर काउंट किया जाता है, यानी सुबह, ठीक है। फजर का टाइम भी जो है वो इसमें आता है, क्योंकि फजर का टाइम जो होता है फजर की नमाज का, तो वो 4 से 6 के बीच में ही आता है ज्यादातर। 4 बजे से लेकर के और 12 बजे का बीच का जो टाइम है वो बोलते हैं सुबह का टाइम। अब जोहर यानी दोपहर को अरबिक में जोहर भी कहते हैं। तो अब जोहर का टाइम कब शुरू होता है? दोपहर को यानी कि 12 बजे से लेकर के और तकरीबन 4 बजे तक जो है वो दोपहर का टाइम रहता है। यानी कि अगर आप ये बताते हैं कि सा तलाता दोहर, यानी दोपहर को 3 बजे, ठीक है, और 4 बजे अगर आप बता रहे हैं तो 4 बजे भी यही टाइम आएगा, यानी कि जोहर का टाइम कहलाएगा ये। फिर उसके बाद जो वो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम होता है ये असर का टाइम कहलाता है, असर का टाइम कहलाता है। यानी कि ना तो ये सुबह है ना ही ये दोपहर है, बल्कि ये तीसरा टाइम है, इसको बोलते हैं असर का टाइम। साखमसा, ठीक है, साखमसा नहार, नहार यानी दिन, दिन में, सारबा दिन में अगर आप बता रहे तो नहार। अब नंबर आता है शाम का, कि शाम का टाइम कितने बजे शुरू होता है? शाम का टाइम जो है वो आप तकरीबन शाम को 5 बजे से लेकर के और 9-10 बजे तक जो है वो आप शाम बता सकते हो, 9 बजे तक ही बता सकते हो बल्कि, यानी सा खमसा फिल मसा, मसा यानी शाम। 6 बजे भी जो है वो शाम कहलाएगी और 7 बजे भी शाम कहलाएगी, सा तमानिया मसा, मसा कहलाएगा यहां भी, और सा तीसा मसा, सा तीसा मसा। अब 9 बजे तक जो है वो शाम रहेगी। फिर उसके बाद में अगर आप बताते हैं कि 10 बजे, अब यानी कि 10 बज गई रात की, तो अब ये जो टाइम है वो आ जाता है लैल के अंदर, यानी कि सा अशरा फिल लैल कहलाएगा, सा तीसा फिल लैल भी होता है सा तीसा फिल लैल भी कहा जाता है, सा तीसा फिल मसा भी कहा जाता है, इसको दोनों जगह यूज किया जाता है। बाकी मेरे जो माइंड के हिसाब से जो है वो शाम को 4 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का जो टाइम है ये आता है मसा के अंदर, यानी शाम का टाइम कहलाता है ये, यानी कि 4 बजे से 9 बजे तक शाम रहती है। फिर रात को 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक जो है वो रात रहती है, ठीक है, यानी लैल, इसमें लैल का टाइम आ जाता है, सा अशरा इला सा अरबा फिल लैल, ये रात का टाइम कहलाता है, ठीक है। फिर सा खमसा सुबह, सा खमसा सुबह, ये सुबह का टाइम कहलाता है, ठीक है, यानी मॉर्निंग वक्त, मॉर्निंग का टाइम कहलाता है, दिन का टाइम कहलाता है, सुबह सुबह का टाइम। अब सुबह कितने बजे तक रहती है? 5 बजे से लेकर के और सुबह 10 बजे तक तो सुबह रहती ही है, 12 बजे तक भी अगर आप कहें कि सुबह तब भी चलेगा, क्योंकि 12 बजे तक भी जो है वो टाइम चेंज नहीं होता अरब के हिसाब से, 12 बजे के बाद जो है वो जोहर का टाइम स्टार्ट होता है। अब यहां एक सवाल और कई लोगों के जहन में आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि हमारे यहां पर जो है वो एशिया कंट्री के अंदर जो है वो जोहर की नमाज जो है वो
डेढ़ बजे बाद पढ़ी जाती है, यानी कि डेढ़ बजे से अजानें होना शुरू होती है जोर की, उसके बाद जो है वो 2 बजे नमाज होती है, 2:30 बजे होती है, कहीं 2:15 होती है, तो लगभग टाइम यही रहता है इसमें। अरब कंट्री के अंदर एक चीज आपने देखी होगी कि वहां पर जो है वो जोहर की नमाज 12:30 बजे हो जाती है, यानी कि 12:30 बजे अजान हो जाती है, 12:15 बजे अजान हो जाती है और 12:30, 1 बजे तक ये लोग नमाज पढ़ लेते हैं। तो अब इसमें अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि यार 12:30 बजे कौन सी नमाज होगी, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फर्क इसमें यह है कि दुरुस्त ये भी हैं और दुरुस्त हम भी हैं। अगर हम 2 बजे नमाज पढ़ते हैं तो हम दुरुस्त हैं, हम अपने हिसाब से दुरुस्त हैं, और ये लोग जो है वो 12:15 बजे से लेकर के 12:30 ये नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज 12:45 बजे हो जाती है, तो अब ये भी दुरुस्त हैं। वो किस तरह से दुरुस्त हैं, क्योंकि जोहर का जो टाइम होता है अरब कंट्रीज के अंदर वो 12:10 से 20 मिनट पर शुरू हो जाता है, यानी कि 12:15 बजे जोहर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर ये रिवाज है कि ये अव्वल वक्त में नमाज अदा कर लेते हैं, यानी कि जैसे ही जोहर का टाइम हुआ और इन्होंने नमाज को अदा कर लिया। हमारे यहां पर क्या है कि हमारे यहां पर जोहर का टाइम लगने के बाद, यानी कि टाइम लग जाता है उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे यहां पर नमाज पढ़ी जाती है। यानी मान लीजिए कि हमारे यहां जैसे एशिया के अंदर जोहर का टाइम स्टार्ट होता है लगभग 12:45 बजे, यानी 12:45 बजे स्टार्ट हो जाता है जोहर का टाइम, जबकि अरब के अंदर जो है वो जोहर का टाइम 12:15 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12:10, 12:15 पर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहां पर 12:45 बजे स्टार्ट होता है और हम नमाज कितने बजे पढ़ते हैं, 2:15 बजे, यानी कि जोहर का टाइम स्टार्ट होने के 1 घंटा बाद हम नमाज पढ़ते हैं और यहां पर जो है वो जोहर का वक्त स्टार्ट होने के सेम टाइम में ये नमाज पढ़ लेते हैं। तो मतलब ये होता है कि इन दोनों की जो नमाजें हैं वो अपने अपने टाइम के हिसाब से जोहर पर ही अदा हो रही है, तो दोनों की नमाजें हो जाती है। मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से जो है वो देखा जाए तो यहां पर अव्वल वक्त में कुछ यानी अदायगी कर ली जाती है और हमारे यहां पर जो है वो टाइम के बाद की जाती है। अब आप असर की मिसाल ले सकते हैं कि असर का टाइम जो है वो हमारे यहां एशिया के अंदर स्टार्ट कितने बजे होता है, 4:30 बजे लगभग स्टार्ट होता है, यानी 4:30 बजे असर का टाइम शुरू होता है, जबकि असर की नमाज कितने बजे पढ़ते हैं, 5:30, 5, मतलब 1 घंटे का तो कम से कम फर्क रहता है कि टाइम स्टार्ट होने के, असर का टाइम स्टार्ट होने के कम से कम 1 घंटा 1/2 घंटा बाद जो है वो हम असर की नमाज पढ़ते हैं, जबकि अरब कंट्री के अंदर जो है वो यानी कि 4 बजे से पहले लगभग 10-15 मिनट पहले ही जो है वो असर का टाइम शुरू हो जाता है अरब कंट्री के अंदर, ठीक है। तो अब वहां पर जो लोग है वो 4 बजे असर की नमाज पढ़ लेते हैं, 4 बजे असर की नमाज पढ़ लेते हैं, वजह क्योंकि वो वेट नहीं करते, वो अव्वल वक्त में नमाज अदा कर लेते हैं, इसलिए उनकी भी नमाजें हो जाती हैं, दुरुस्त है, उनकी इबादतें भी टाइम में ही हो रही हैं। बस फर्क ये है कि वो अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, हम आखिर वक्त में पढ़ते हैं या निसफल वक्त में पढ़ते हैं, यानी आधा टाइम होने के बाद हम उस चीज को अदा करते हैं। तो ये कुछ बातें मुझे याद आ गई थी तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी बता दूं ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना रहे कि अरब के अंदर जो है वो जो जमात हो रही है मस्जिदों के अंदर जो नमाज हो रही, तो अब हम नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, क्योंकि हमारे हिसाब से तो टाइम 2 बजे होता है और यहाँ पर तो 12:30 ही नमाज पढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल नमाज का वक्त स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आप जब चाहे नमाज पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती। फिर सुबह की बात की जाए अगर, तो हमारे यहाँ पर फजर की नमाज जो पढ़ी जाती है वो सूरज, यानी कि ये समझ लीजिए कि सूरज की पहली किरण चमकने से पहले पहले हम फजर की नमाज अदा कर लेते हैं, यानी कि रोशनी हो जाती है, अंधेरा कम हो जाता है और रोशनी आ रही होती है, उस टाइम में हम नमाज अदा करते हैं। जबकि फजर का टाइम जो है वो कब स्टार्ट होता है, तहज्जुद का वक्त खत्म होने के जस्ट बाद फजर का वक्त स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो सहरी का वक्त खत्म होता है ना, वहीं से फजर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। तो अब अरब के अंदर ये सिस्टम भी पाया जाता है कि ये लोग फजर की नमाज जो है वो उस टाइम में पढ़ लेते हैं, यानी कि सहरी का टाइम खत्म होने का जो टाइम होता है उस टाइम में यहाँ पर फजर की नमाज अदा कर ली जाती है अव्वल वक्त में, जबकि हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ देर बाद, यानी कि तकरीबन थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है उस वक्त हम फजर की नमाज अदा करते हैं। तो दोनों दुरुस्त हैं,
वो अव्वल वक्त में हम नमाज पढ़ते हैं और हम निष्फल वक्त में या आखिर वक्त में पढ़ते हैं, तो दोनों की नमाज जो है वो अपने अपने हिसाब से हो जाती है। फिर दूसरा जो फर्क आता है कि कुछ इबादतों के बारे में, कुछ और मामलात के बारे में जो डिफरेंस आता है कि यार अरब में ये सिस्टम है और जो एशिया कंट्री है यहाँ पर ये सिस्टम है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, काफी चीजों का फर्क आ जाता है। वहां पर नंगे सर नमाज अदा करते हैं, फिर जो कुछ भी पहना हुआ वो नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर अगर नंगे सर अगर हम नमाज पढ़ने बैठ जाएं तो बच्चे भी जो है वो टोपी उठा करके मस्जिद में से हमारे सर पर रख देते हैं। तो अब कल्चर में फर्क कहां पर आ जाता है, क्योंकि एशिया के अंदर यानी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के अंदर जो है वो यहां पर मतलब मसलक के हनफी को फॉलो किया जाता है, मसलक के हनफी को फॉलो किया जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो रिसर्च था उसके हिसाब से जो है वो हम उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं तकरीबन हनफी मसलक के हिसाब से वो अपनी इबादत और तमाम मामलात को करते हैं, जबकि अरब के अंदर जो है वो इमाम शाफी को, इमाम हम्बली को और इमाम मालिक को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं। तो इन चारों के जो मामलात हैं उसमें सब अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है, जो इन्होंने तरीकेकार बताए हैं, जो सिस्टम बनाया इन्होंने, जो अपना अपना जो रिसर्च था इनका, अपने अपने टाइम के सब इमाम रहे और बहुत बड़े मतलब बुजुर्ग रहे हैं ये और बहुत अल्लाह के महबूब बंदे रहे हैं। तो इनका जो अपना अपना जो रिसर्च था उसके हिसाब से जो लोग इनको फॉलो करते हैं तो वो इनके हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर आकर के इसलिए जो है वो एशिया और अरब की जो जो मामलात होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है, ठीक है। यानी कुछ चीजें उनके नजदीक जो है वो इस तरह से होती है और हमारे नजदीक इस तरह से होती है, तरीका दोनों दुरुस्त होता है, इनमें कोई गलत नहीं होता। गलत कौन होता है, तो जाहिर सी बात है कि गलत जो लोग होते हैं उनको आपको खुद को पता है कि किस तरह के लोग गलत होते हैं। तो ये चीज है कि ये कुछ बातें मतलब मैंने वहां के कल्चर जो मैंने भी वहां पर देखा, शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता था कि यार यहाँ क्या किया जाए मतलब, तो ये सारी चीजें जो है वहां रह करके जब पढ़ा समझा तो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे समझ में आती गई। तो इस एक दो घड़ियां और बच रही है, उनका भी टाइम देख लेते हैं। इसमें जो है वो 1 बजी है, यानी कि फिक्स 1 बजी हुई है इसमें, तो ठीक है। अब इसको कहां से अरबिक में किस तरह से कहेंगे, सा वाहद बराबर 12 बजी है, ठीक है। उसके बाद ये घड़ी है, इसमें जो है वो 8 बजकर के तकरीबन 22 मिनट हुए हैं। अच्छा, ये पहले वाली घड़ी आ गई, 8 बजकर के 22 मिनट, 7 8 23 दकीका, ठीक है। ये तमाम घड़ियां मैंने आपको दिखा दी है, इनका टाइम वगैरह सब आपको पढ़ करके भी बता दिया है, आइडिया भी दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी।